F G F P S क्या B F G F P S क्या B F G F P S। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग YouTube वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 8 का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। जी हां दोस्तों, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन के साथ साथ पब्लिक एक्सपेंडिचर को जाना, हमने जाना क्या क्या सरकारी खर्चे हैं। आज के इस वीडियो में हम रेवेन्यू पर यानी सरकारी इनकम पर नजर डालेंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर के अगर बात करें तो सरकार को रेवेन्यू के कई सोर्सेस होते हैं। आमतौर पर हमारे दिमाग में आता है कि सरकार तो टैक्स से कमाती है, लेकिन टैक्स के अलावा भी देयर आर मेनी सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। आज के इस वीडियो में हर एक पहलू सरकारी आमदनी का कवर करने वाले हैं, तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, साथ ही साथ ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल और यहां पर ढेर सारे PDF नोट्स, वीडियो नोटिफिकेशन अलग अलग सब्जेक्ट के आपको मिलते रहेंगे। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, नाम है स्काई एजुकेशन और यहां पर चल रहा है सुपर स्टार बैच, क्योंकि आप हैं सुपर स्टार और आप ही को करना है एग्जाम में चमत्कार, तो ये बैच भी एब्सोल्युटली फ्री है। बैच को ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट आपको भेजना है सुपर स्टार 23 कोड के साथ एंड यू विल बी एडेड टू द बैच। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, जान लेते हैं पब्लिक रेवेन्यू। जी हां दोस्तों, पब्लिक रेवेन्यू की जब बात आती है तो याद रखिए, जो टॉपिक है इसकी खासियत ये है दैट इट इज ऑल अबाउट द इनकम सोर्सेस ऑफ द गवर्नमेंट। पब्लिक यानी गवर्नमेंट, रेवेन्यू यानी इनकम, तो बस ये है सरकारी इनकम। याद रखिए, पब्लिक रेवेन्यू मींस द एग्रीगेट कलेक्शन ऑफ इनकम। क्या? एग्रीगेट कलेक्शन ऑफ इनकम, एग्रीगेट बोले तो टोटल कलेक्शन ऑफ इनकम, यस, विद द गवर्नमेंट थ्रू वेरियस सोर्सेस। पब्लिक रेवेन्यू होल्ड्स द परमानेंट पोजीशन इन द स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंस व्हिच इज द पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। दस नेसेसिटी ऑफ पब्लिक रेवेन्यू अराइजेस ड्यू टू पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्या? ड्यू टू पब्लिक एक्सपेंडिचर। समझा क्या इसके अंदर? इसमें यह समझ लीजिए कि खर्चा है तो भाई इनकम होनी जरूरी है ना, बिना इनकम के आप खर्चा कैसे करेंगे। आप घर के भी बजट को अगर ध्यान से देखें अपने, तो बिना इनकम के आप कोई खर्चा ही नहीं कर पाएंगे। सरकार के ऑब्लिगेटरी फंक्शंस हैं, सरकार के ऑप्शनल फंक्शंस हैं, सरकार को ढेर सारी एक्टिविटीज करनी है और ये सारी एक्टिविटीज करने के लिए इनकम होना जरूरी है। बिना इनकम के कैसे काम होगा? काम हो जाएगा तमाम, और इसीलिए रेवेन्यू होना बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो में रेवेन्यू पर ही नजर डाल रहे हैं और बात करें दोस्तों यहां पर डेफिनेशंस की, और सबसे पहले तो मैं टैक्सेस की बात कर लूं, क्योंकि आमतौर पर हमारे सबके जहन में यही आता है कि पब्लिक रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा तो टैक्स ही है, है ना, सबसे बड़ा हिस्सा तो यार टैक्स ही है। तो टैक्स के बारे में क्या कहते हैं लोग? यहां पर दोस्तों प्रोफेसर टॉसिक कहते हैं द एसेंस ऑफ टैक्स इज अ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर चार्जेस बाय गवर्नमेंट। इट इज द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट क्विड प्रो क्यू बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द पब्लिक अथॉरिटी। सिंपल सा डेफिनेशन है। टॉसिक कह रहे हैं कि यार टैक्स बहुत कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, हर नागरिक को यह भरना ही चाहिए, ये उसका देश के प्रति काम है, वेलफेयर के लिए उसका एक हिस्सा है। दोस्तों, उसे कभी भी डायरेक्ट क्विड प्रो क्यू यानी रिलेट नहीं करना चाहिए डायरेक्टली किसी भी कंट्रीब्यूशन को किसी सर्विस के साथ। तौसीफ कहते हैं कि यार अगर आप टैक्स भर रहे हैं तो आपके लिए सरकार कुछ स्पेशल करेगी, ऐसा उम्मीद मत रखिए, क्योंकि आप टैक्स भर रहे हैं ओवरऑल वेलफेयर के लिए, ओवरऑल सोसाइटी के लिए। रोड बनेगा तो सिर्फ आपके लिए नहीं बनेगा, वो सभी के लिए बनेगा, है ना। तो जब आप टैक्स भर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आपको कुछ स्पेशल सर्विस मिलेगी, देयर इज नो डायरेक्ट क्विड प्रो क्यू हियर। और इसीलिए टॉसिक का डेफिनेशन जो है वो यही कहता है द एसेंस ऑफ टैक्स एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर चार्जेस। साथ ही साथ अगर दूसरे डेफिनेशन की बात करें तो प्रोफेसर सेलिगमैन कहते हैं अ टैक्स इज अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या? कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द पर्सन टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू स्पेशल बेनिफिट्स कन्फर्ड, यानी विदाउट एनी स्पेशल बेनिफिट्स कन्वर्ट। याद रखिए कि यार आप टैक्स भर रहे हैं तो वो सामाजिक कल्याण के लिए है, सामाजिक भलाई के लिए है, वेलफेयर के लिए है, इसका एक्चुअल कोई स्पेशल बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है, ये ओवरऑल बेनिफिट जो है सोसाइटी के लिए ही होने वाला है। तो ये टैक्सेस वाले चीज में आपको याद रखना है। दोस्तों, टैक्सेस दो प्रकार के अक्सर देखे जाते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स की परिभाषा अगर देखें
तो टैक्स पोजेसेस फॉलोइंग एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहला तो ये कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है टू द गवर्नमेंट एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज लीगली बाउंड टू पे द टैक्स। मतलब आप अगर एक सर्टन स्लैब के ऊपर आते हैं, 2 लाख के ऊपर आपकी इनकम है, 5 लाख के ऊपर आपकी इनकम है, तो आपको सर्टन अमाउंट ऑफ टैक्स भरना पड़ेगा। करोड़ों में आपकी इनकम है तो सर्टन अमाउंट ऑफ टैक्स आपको भरना पड़ेगा। ये लीगली लॉज बनाए गए हैं और उसके हिसाब से आपको टैक्स कंपलसरीली भरना ही है। इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। इफ एनी पर्सन डज नॉट पे tax, he can be punished by the government। क्योंकि सरकार को यार सिंपल सी बात है ना, खर्चा बहुत है, बहुत खर्चा है यार। भ्रष्टाचार कुछ लोग जरूर करते होंगे, करप्शन जरूर होता होगा, लेकिन खर्चा तो बहुत है। रोड बनाना है यार, बिजली पहुंचानी है यार, पानी देना है यार, सबके लिए ब्रिज बनाने हैं, रेलवे चलानी है, स्कूलें खोलनी है, हॉस्पिटल खोलना है, करोड़ों रुपए के खर्चे तो हैं। और उसमें 125 करोड़ देशवासी हैं और सिर्फ 5 करोड़ लोग टैक्स भर रहे हैं, तो यार लफड़ा तो है। और इसीलिए इसे लीगल बाउंड किया जाता है कि यार ये कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है और नहीं भरोगे तो पनिशमेंट है। टैक्स इज पेड बाय टैक्स पेयर टू एनेबल द गवर्नमेंट टू इनकर एक्सपेंसेस इन द कॉमन इंटरेस्ट। ये याद रख लेना, कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। आहा, क्या कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, सबसे जड़ी बूटी लाइन ही है कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तेरे अकेले के लिए नहीं होने वाला है कुछ, कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, टैक्स भरना तेरा फर्ज है, याद रख ले। इसके अलावा दोस्तों यहां पर मैं बता दूं, द पेमेंट ऑफ टैक्स बाय अ पर्सन डज नॉट एंटाइटल हिम टू रिसीव एनी डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट बेनिफिट और सर्विस। यानी कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होने वाला है। आखिरी चीज, टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन इनकम, प्रॉपर्टी और कमोडिटीज एंड सर्विस। किस पे लगता है टैक्स, किस पे लगता है टैक्स? या तो आपकी इनकम पे, आमदनी पे, या तो आपकी प्रॉपर्टी पे, या तो आप कमोडिटीज और सर्विसेज जो खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है। ये था पहला कॉन्सेप्ट जो आज हमने देखा है रेवेन्यू में, टैक्सेस का रेवेन्यू। और दूसरी तरफ दोस्तों डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का बाइफरकेशन भी है यहाँ। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो टैक्स पेयर जो है उसकी इनकम और प्रॉपर्टी में भरता है। ये जिसके ऊपर लगा है उसी को बोर्न करना है, उसी को भरना है, कोई और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। जैसे कैसा होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ना, मुझ पे लगाया तो मैंने मेरे कस्टमर पे लगा दिया, इसका ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स का ट्रांसफर नहीं हो सकता। जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया है वही वो टैक्स पे करता है एक्चुअल में। डायरेक्ट टैक्स के अंदर याद रखिए, एज ही कैन नॉट ट्रांसफर द बर्डन ऑफ द टैक्स टू अदर्स, इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ डायरेक्ट टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन, जैसे कि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा। दूसरी तरफ इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इट इज पेड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और सेल एंड परचेज ऑफ कमोडिटी और सर्विस। तो जब भी हम कुछ वस्तुएं खरीदते हैं, बेचते हैं, उन वस्तुओं के ऊपर ये टैक्स होता है, और इसलिए जिसके ऊपर आया है वो किसी और पे ट्रांसफर भी कर सकता है उसको बेच करके, खरीद करके, समझ रहे हो? तो इट कैन बी शिफ्टेड टू अदर टैक्स पेयर्स और अदर पर्संस, हेंस इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स आर डिफरेंट हेड्स। हो सकता है ऐसा। और आजकल जो नया GST आया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये तो आप देखते ही हैं किस तरह से ट्रांसफर होता है, बड़े व्यापारी से छोटे व्यापारी पे, छोटे व्यापारी से हम पर, तो इस तरह से ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स की परिभाषा मैंने आपको बताई। तो ये दो जो है डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, ये आते हैं टैक्सेस की श्रेणी में, जो कि पहला सोर्स ऑफ रेवेन्यू हमने देखा आज पब्लिक रेवेन्यू का, यानी सरकारी रेवेन्यू का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स, सबसे बड़ा सोर्स है टैक्स, और टैक्सेस में डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो दोस्तों टैक्सेस के अलावा भी सरकार के अलग अलग सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस ऑफ द गवर्नमेंट। बोले तो टैक्स के अलावा, अदर देन टैक्सेस, कौन से ऐसे रेवेन्यू सोर्सेस हैं? आपके सामने यहाँ आप देख सकते हैं एक छोटा सा ब्रीफ है अबाउट व्हाट एग्जैक्टली दीज नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस आर। तो याद रखिए, रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एंटरप्राइजेस सच एज गिफ्ट एंड ग्रांट्स, ये होते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के अलावा जो भी पैसा सरकार को मिलता है वो नॉन टैक्स में आता है। दीज सोर्सेस आर डिफरेंट देन टैक्सेस, ये टैक्सेस से अलग होते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप गौर से देखें तो अपने टेक्स्ट बुक में 7 ऐसे नॉन रेवेन्यू सोर्सेज जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज दिए गए हैं, और आंसर का नाम है BFGFPS। क्या BFGFPS? क्या BFGFPS? बड़ा ही सिंपल है। बी से बोरोइंग, एफ से फीस, जी से गिफ्ट ग्रांट एंड डोनेशंस, एफ से फाइंस एंड पेनल्टीज, BFGF। इसके अलावा PS में प्राइजेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, और एस से 2 पॉइंट्स, स्पेशल असेसमेंट एंड स्पेशल लेवीज। तो कुल मिलाकर के 7 पॉइंट का आंसर है BFGFPS। हर एक सोर्स को हम समझेंगे बारीकी से, चलिए एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो पहला पॉइंट निकल करके आता है बोरोइंग्स।
तो सरकार बोरो तो करती है, लोन्स तो लेती है। सरकारों के लिए आजकल ये कॉमन एक्टिविटी हो गई है लोन लेना, फिर वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार। इट हैज बिकम अ कॉमन एक्टिविटी टू टेक लोन्स, क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं खर्चा पूरा करने के लिए लोन लेना ही पड़ता है, बोरो करना ही पड़ता है। तो सेंट्रल बैंक कई बार राज्यों की सरकारों से, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कई बार राज्यों की सरकारों से लोन लेती है, कई बार वो फॉरेन बैंक से लोन लेती है, IMF जैसी संस्थाओं से लोन लेती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो विदेशों की है उनसे लोन लेना पड़ता है, कई बार फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लेना पड़ता है। ये सारा बोरोइंग्स जो है ये भी तो इनकम ही एक प्रकार का, टैक्स के अलावा होने वाली ये सारी बोरोइंग्स जो है उसे भी हम नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस में डालते हैं। जी हाँ, बी से बोरोइंग्स, द गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम द पीपल इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। इट ऑल्सो गेट्स लोन्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा। कई बार लोन्स भी लिए जाते हैं और लोन्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इन द मॉडर्न टाइम्स। तो इस प्रकार से दोस्तों बी से बोरोइंग ये पहला सोर्स है रेवेन्यू का नॉन टैक्स में। दूसरा अगर देखें तो ये है एफ से फीस। फीस की बात करें तो दोस्तों कई टाइप की फीस सरकार हमसे वसूलती है। आप ही की बात करूं तो एज स्टूडेंट्स आपने रिसेंटली अपने 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम का फॉर्म भरा होगा और अपने अपने स्कूलों में कॉलेजेस में आपने बोर्ड फॉर्म फीस भरी होगी। ये बोर्ड फॉर्म फीस जो होती है ये आप एक्स्ट्रा ही पे कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को। ये पैसा सरकार के पास ही जा रहा है और इस पैसे के बदले में सरकार आपको कुछ सर्विस देगी, जैसे आपको हॉल टिकट प्रोवाइड करेगी, आपको सेंटर प्रोवाइड कराएगी, आपको आंसर शीट्स और सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कराएगी। तो ये प्रकार की फीस भी उनके लिए एक इनकम है। कई बार आप आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर दें, राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर दें, कुछ 50 रुपये 100 रुपये आपको फीस देनी पड़ती है प्रोसेसिंग की। ये सारी फीस जो है ये भी सरकार के लिए इनकम ही तो है। एंड दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिए, फीस इज ऑल्सो अ नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स। अ टैक्स इज पेड compulsorily without any return service। tax के बदले में कोई return service नहीं मिलेगी, लेकिन tax के बदले में कोई return service नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि जो होगा सबके लिए होगा, लेकिन fees के बदले में आपको return में service मिलती है, जैसे कि आपको आपकी educational fees के बदले में supplements, hall tickets वगैरह जैसे expectations होते हैं वो सरकार fulfill करती है, government की तरफ से आता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। tax is paid compulsorily without any return service, whereas fee is paid in return for certain specific services rendered by the government, for example education fee, registration fee etc. simple है, आप passport के लिए apply करेंगे, passport की fees भरेंगे, return में आपको passport मिलेगा। आप आधार कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, फीस भरेंगे, आपको रिटर्न में आधार कार्ड मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको रिटर्न सर्विस जो है वो मिलती है, एंड दैट इज व्हाट फीस इज ऑल अबाउट। याद रखिए फीस ये दूसरा महत्वपूर्ण नॉन टैक्स रेवेन्यू का सोर्स है। तो बी एफ के अंदर बोरोइंग और एफ से फीस। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, बी एफ के बाद आती है जी एफ। जी एफ में याद रखिए गिफ्ट, ग्रांट्स एंड डोनेशंस। गिफ्ट, ग्रांट्स एंड डोनेशन। कोई एकदम अकेला इंसान था, अपनी जमीन जायदाद सब सरकार को गिफ्ट में देकर गया, जाते जाते भला कर बोला भाई स्कूल वूल खोल देना, यहाँ पे अस्पताल खोल देना। सरकार को तो ये फुकट में मिला है, ये तो उसके लिए इनकम का सोर्स है, समझ रहे हो आप। तो इस तरह से ऐसे गिफ्ट, ऐसे कोई ग्रांट यानी कंसेशन सब्सिडीज सरकार को अगर मिलती है फॉरेन कंट्रीज से या अपने ही देशों की सरकारों से, तो ऐसे ग्रांट, ऐसे डोनेशंस, ऐसे गिफ्ट को भी नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स माना जाता है। द गवर्नमेंट में ऑल्सो अर्न सम इनकम फ्रॉम गिफ्ट्स बाय द सिटीजंस एंड अदर्स। द गवर्नमेंट में ऑल्सो रिसीव ग्रांट्स फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर जनरल एंड स्पेसिफिक पर्पसेस। साथ ही साथ डोनेशन तो आपने सुना ही होगा, जैसे कोविड काल में भी PM केयर फंड, CM केयर फंड, इसके अंदर लोगों ने डोनेशन दिए थे। तो ये डोनेशन से भी सरकार को इनकम होती है। फॉरेन एड हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। However, this source of revenue is uncertain in nature. मतलब ये fixed थोड़ी है, हमेशा कोई gift देगा ऐसा जरूरी नहीं, हमेशा कोई donation देगा ऐसा जरूरी नहीं है, और इसीलिए it is not fixed in nature. तो ये G से gift, grant and donation. F से यहाँ पर अगला point आता है fines and penalties. ये तो सजा है भाई, आपके लिए सजा है, सरकार के लिए मजा है। याद रखिए दोस्तों fines and penalties, आपने signal तोड़ा, हवलदार ने पकड़ा और वाकई में उसने पावती बनवाया, पावती बना करके दिया, मतलब सरकार को पैसा जाएगा। बाकी जेब वाला अलग हिसाब है, लेकिन अगर आप
प्रॉपर पावती के साथ फाइन भर रहे हैं तो फिर वो पैसा गवर्नमेंट की तिजोरी में जाने वाला है. एंड दैट इज व्हाई फाइन्स एंड पेनल्टीज आर आल्सो अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट इम्पोजेस फाइन्स एंड पेनल्टीज ऑन दोज हु वायोलेट द लॉज ऑफ कंट्री. जो लोग भी कायदे कानून का पालन नहीं करते, ऐसे लोगों को, जो लोग भी कायदे कानून का पालन नहीं करते ऐसे लोगों के ऊपर फाइन और पेनल्टीज लगाई जाती हैं. उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स एंड पेनल्टीज इज नॉट टू अर्न इनकम. यहाँ पे सरकार ये कहती है हमको इनकम नहीं कमाना है, हमको पैसा नहीं कमाना, हम तो चाहते हैं तुम कायदे का पालन करो, तुम एकदम लॉफुल रहो, है मतलब लॉ को फॉलो करो. बट टू डिस्करेज द सिटीजन्स फ्रॉम वायोलेटिंग द लॉज फ्रेम बाय द गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल फाइन्स ऑन वायोलेटिंग ट्रैफिक रूल्स. However, the income from this source is small, ऐसा सरकार कहती है. तो कुल मिलाकर के BF और GF, borrowing fees, यहाँ पर gift grant donation और fines and penalties. उम्मीद करता हूँ हर पॉइंट आपने लिख करके नोट डाउन किया होगा. आगे बढ़ते हैं PS के अंदर, prices of public goods and services. भैया prices की जब बात आती है तो याद रखिए महंगाई डाइन खाए जाते हैं. महंगाई तो है और prices जो public goods and services के हैं वो भी अब rise हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं. इसके बदले में जो सरकार को पैसा मिलता है वो तो मिलता ही है कि नहीं, वो भी तो सोर्स है. अभी रेलवे की टिकट तुम खरीदते हो तो पैसा किसको देते हो, सरकार को ही दे रहे हो जब टिकट खरीदते हो. तो मॉडर्न गवर्नमेंट सेल वेरियस टाइप्स ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज टू द सिटीजन. अ प्राइस इज द पेमेंट मेड बाय द सिटीजन टू गवर्नमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड टू देम. अभी तुम सरकारी गैस कंपनी से गैस सिलेंडर खरीदते हो, उसका पैसा किसको जाता है, सरकार को ही जाता है. तो फॉर एग्जाम्पल रेलवे फेयर हैं, पोस्टल चार्जेस हैं, पोस्ट वगैरह चिट्ठी टेलीग्राम के आपके जो चार्जेस हैं ये भी सरकारी कंपनी, तो उनको ही जाता है. तो ये भी एक नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स है अदर देन टैक्स. सरकार जो है वो प्राइजेस से भी कमाती है जो पब्लिक गुड्स के ऊपर वो चार्ज करती है. आखिर में ऐसे स्पेशल असेसमेंट की बात करें तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्पेशल फैसिलिटी अगर आपको आपकी लोकल बॉडी नगर पालिका महानगर पालिका या आपकी लोकल गवर्नमेंट दे रही है. फॉर एग्जांपल आपकी लोकेलिटी के यहाँ पे रोड बनाना था, आप ही के लिए स्पेशली आपके लोगों के लिए उस एरिया के लोगों के लिए रोड बनवाया, या लाइट वहाँ पर नहीं थी वहाँ पर लाइट की फैसिलिटी करवाई, तो स्पेशली उस एरिया के लिए उस लोकेलिटी के लिए कुछ किया गया है तो स्पेशल फैसिलिटी के तौर पर यहाँ पर अथॉरिटीज ने अगर वो किया है तो स्पेशल लोकल बॉडीज जो हैं वो लेवी कर सकती हैं स्पेशल टैक्स ऑन द रेसिडेंट्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया. उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों पर एक स्पेशल टैक्स उस फैसिलिटी के लिए लगाया जा सकता है. तो ये होता है स्पेशल असेसमेंट. आखिर में दोस्तों एस से आखिरी पॉइंट की बात करूं तो ये है एस से स्पेशल लेवीज. और स्पेशल लेवीज का मतलब क्या होता है, ये वो चीजें जो हानिकारक हैं, हार्मफुल हैं, जैसे शराब वाइन, ये सब हानिकारक और जबरदस्त खतरनाक चीजें हैं जो आपको नहीं कंज्यूम करनी चाहिए, गुटखा पान मसाला तंबाकू, इनके ऊपर जो स्पेशल ज्यादा टैक्स लगाया जाता है ना उसको बोलते हैं स्पेशल लेवीज. दिस इज लेविड ऑन दोज कमोडिटीज द कंजम्पशन विच इज ऑफ विच इज हार्मफुल टू द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द सिटीजन. ये आपके लिए हार्मफुल है तो इसके ऊपर फाइन लगा दिया जाता है, पेनल्टी लगाई जाती है. इसका भी ऑब्जेक्टिव इनकम अर्न करना नहीं है बल्कि आपको डिस्करेज करना है कि इतना महंगा है मत खाओ सालो मर जाओगे. कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल कमोडिटीज बाय द सिटीजन. फॉर एग्जाम्पल्स याद रखिए वाइन के ऊपर, ओपीएम के ऊपर, ये जो चीजें हैं इंटॉक्सिकेंट्स जो हैं इनके ऊपर जो लगाया जाता है एक्स्ट्रा पैसा वो स्पेशल लेवीज के अंदर आता है. तो इस प्रकार से दोस्तों BF GF PS क्या नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस अगर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे BF GF PS. बी से बोरोइंग, एफ से फीस, जी से गिफ्ट ग्रांट एंड डोनेशन, एफ से फाइनेंस और सॉरी एफ से फाइन एंड पेनल्टीज, इसके अलावा पी से प्राइजेस ऑफ पब्लिक गुड्स, एस से स्पेशल असेसमेंट और स्पेशल लेवीज. उम्मीद करता हूं आपने सभी पॉइंट्स को नोट डाउन किया होगा, लिख करके जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा. हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे. मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.